आप सबको ये ज्ञात ही होगा, आज ये सभा किस प्रयोजन से बुलाई गई है। हमारे बीच में एक दिव्या माते स्वरूप श्रीमती शशि देवी अक्षमात उस परम पिता परमात्मा के चरण मंदिर हो गए, उनका संसारिक चक्र पूरा हुआ, सांसों की लोग भी अपना कीमती समय छोड़ते हुए इनके दुख में इस शोभा में इनके साथ सम्मिलित हुए। ये परिवार धन्य हो गया, आप जैसे सज्जनों का आप जैसे गुणों का संग पाकर अभी जो श्याम राव सिंह जी का जाप चलता है एक घंटा सावन साल तैयारी थी कि आज मैं भी जाप लेता हूँ, भगवान का ध्यान था। शिव जी कहते हैं कि उस ध्यान में क्या तुम्हारे गुण ऐसे हो गए हैं, तुम संसार के मंदिरों में जा रहे हो, मैं तुम्हें अपने धाम में बुला लेता हूँ, मरना सबको है, मरने का दुख भी सभी को होता है, बिछड़ने का दुख भी सभी को होता है, क्योंकि अभी हमें उसकी बहुत आवश्यकता होती है उस प्राणी की जो हमारे साथ रहता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिनके साथ हम खेले हैं, जिनकी गोदी में खेले हैं, आभाव तो सभी का होता है, लेकिन ऐसी मृत्यु भी उस प्राणी के लिए दुर्लभ है। इसीलिए तो हम आए हैं संसार, और क्या है, और तो जो ये शरीर है शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मे पुण्यम यशस्तम शरीरादिप्रे मनश्चैन लग्नम। हरि के चरणों में अगर आपका ध्यान नहीं है तो ये शरीर क्या, ये संसार के भौतिक पदार्थ क्या, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा परिवार, ये सब बेकार है। इस संसार में आए ये सुख तो हमें साधन दिए भगवान हमारे कर्मों के अनुसार, जितना हमें समय दिया है जन्म और मृत्यु के बीच में एक साधन दिया है, जितना तुम्हारा राशन है ये तुम खाओगे, तुम्हारा परिवार है तुम्हारे लिए दिन बहलाने के लिए, लेकिन तुम्हारा जो टारगेट है वो है मोक्ष प्राप्त करना। हम वस्तु का उपयोग करते हैं, बस में जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, स्कूटर में भी जाते हैं, सभी जगह भ्रमण करते हैं, लेकिन सफर करते हुए हमें सिर्फ अपनी गंतव्य तक जाने का ही निर्णय रहता है कि हमने अंबाला पहुंचना है, हमने हरिद्वार जाना है, हमने चंडीगढ़ पहुंचना है, जिसमें हम बैठे उसका हमें कोई ध्यान नहीं, हम किस चीज में जा रहे हैं, ना ही उसी का हमें वो है। हमारा टारगेट हमारा लक्ष्य क्या होता है, वहां मंदिर का जब हम इनको अपना मान चुके हैं तो जब भगवान इनको छीनते हैं हमारा समय पूरा होता है बड़ा कष्ट। जब हमने अपने दिमाग में अपने मन में इन चीजों को बैठा दिया कि मेरा तो ये है, भगवान कहते हैं अगर ये तेरा है तो मैं कहाँ हूं, तो भगवान ने साधन किया, मन का फेर है, ये देखना है, ये परम पिता परमात्मा ये तुम्हारा दिया हुआ है, किराया का घर है, किराए का ये मेरा शरीर है, किराए के ये सारे परिवार है, संबंध है, मेरा तो इसको कुछ भी नहीं है, परिवार में से किसकी बारी आ जाए, कौन हमसे छोड़कर चला जाए, किसका दाना पानी खत्म हो जाए, किससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, तैयार नहीं। किसी के मिलने पर इतना पूछना हूँ, किसी के
उसके ओशन नंबर बुकिंग ना हो, भगवान कहते हैं तेरा लक्ष्य तो सिर्फ मृत्यु है, वो अपने आप को संभाल, अपना अंग सुधार। बाकी सब काम रह जाएंगे, सारे संसार के पदार्थ संसार में रह जाएंगे। करो पुराण में आया है कि शरीर जो है जो तुम्हारे संसारिक भौतिक पदार्थ हैं, वो पदार्थ तुम्हारी मृत्यु होते ही तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। भाई बंधु इष्ट मित्रगण तुम्हारा संसार तक जाएंगे, वहां तक साथ देंगे। ये जो शरीर है ये अग्नि तक जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म है वो तुम्हें आत्मा के साथ हर जगह भोगना पड़ेगा। और ये भोग नहीं है, भगवान कहते तू कर्म करता है, कर्मों का फल भी वही कर्म खुद मारेंगे। जगह तो खुद कहते हैं गर्व पुराण में, या लोग खुद कहते हैं पापी प्राणी से, हे पापी हे दुराचारी तू यहां पर रो रहा है, चिल्ला रहा है, तुझे सजा मिल रही तो रो रहा है, तू हमें जो है बड़ा गुस्से में देख रहा है, हमें तो निर्दयी मान रहा है, यमराज को कोस रहा है, हम तो तेरा कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ तेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जो तुमने कर्म किए हैं वो कर्म ही तेरे दुखों का कारण है, वही तुम्हें सता रहे हैं। भगवान कहते देख लो, खुद ही देख लो, कर करो। सबसे बड़ा तुम आश्चर्य यह होता है कि मनुष्य पुण्य करता नहीं, स्वर्ग की कामना करता है। पुण्य नहीं करना, मैं स्वर्ग जाऊं, मेरी संतान बढ़िया हो, मेरा मान सम्मान हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, वाहन हो, लेकिन पुण्य नहीं करना, पाप करता है, लेकिन नर्क नहीं जाना चाहता। पुण्य नहीं करना स्वर्ग जाना चाहता है, पाप करता है नर्क जाना नहीं चाहता। और इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, जो जो हम कर्म करते हैं यहां पर उन कर्मों की सजा भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम सजा भोगने के लिए तैयार नहीं तो वो कर्म करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जन्म से मृत्यु पर्यंत बड़े दुखी हिंदे आंटी जी श्रीमती शशि अंतम अरदास शामिल आया। शशि गोयल जी पत्नी लेट श्री श्यामलाल जी जो सानू बहुत चिर पहला विछोड़ा दे गए सन, उन्होंने भी अपना जीवन हिंदू धर्म के लिए नाभे ने अपना कुर्बान करता। उस तरह उन्होंने बच्चे शशि गोयल जी अपने पिछले दो बेटे पंडित जी ने श्री गुरु ग्रंथ जी की कथा सानू सुनाई, असी सारे ने श्रवण की, सानू इस कथा तो बहुत कुछ सीखने मिलता है कि जिंदगी की है। अज असी शशि गोयल जी की अंत
तो प्रार्थना सभा इकट्ठे होया जिन्होंने सारी जिंदगी 11 नवंबर 1953 को जन्म लैके बड़ा लंबा आरसा अज सारे रिश्तेदार भैन भरा संगी साथी दास तिकर तो भाव जिन्ना जिन्ना भी दरियावी तौर पर माता जी की मौत तो बाद उन्होंने विछोड़े का दर्द प्यार और सत्कार सी उस प्यार और सत्कार को लेके सारी अपना की याद कतर हो मेरे तो Thank you.
सबसे कठिन है मनुष्य योनि में आना।
श्याम सिंह जी का ध्यान चलता है घंटा सावन साल तैयारी थी कि आज मैं भी जाप में जाऊँ। भगवान का ध्यान था शिव जी कहते हैं कि उस ध्यान में क्या तुम्हारे घुटने से हो गए हैं, तुम संसार के मंदिरों में जा रहे हो, मैं तुम्हें अपने धाम में बुला लेता हूँ वरना सबको है। मरने का दुख भी सभी को होता है, पिछड़ने का दुख भी सभी को होता है, क्योंकि अभी हमें उसकी बहुत आवश्यकता होती है उस प्राणी की जो हमारे साथ रहता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिनके साथ हम खेले हैं, जिनकी गोदी में खेले हैं, आवाओं को सभी का होता है। लेकिन ऐसी मृत्यु भी उस प्राणी के लिए दुर्लभ है, इसीलिए तो हम आए हैं संसार। और क्या है और तो जो ये शरीर है शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम में उत्तुंजम यशस्तारुचित्तम शरीरम त्रिप्रक्ने मनश्चैन लग्नम। हरि के चरणों में अगर आपका ध्यान नहीं है तो ये शरीर क्या, ये संसार के भौतिक पदार्थ क्या, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा परिवार, ये सब बेकार है। इस संसार में आए ये सुख तो हमें साधक दिए भगवान हमारे कर्मों के अनुसार, जितना हमें समय दिया है जन्म और मृत्यु के बीच में वो तो एक साधन दिया है। जितना तुम्हारा राशन है ये तुम खाओगे, तुम्हारा परिवार है तुम्हारे लिए दिन बहलाने के लिए, लेकिन तुम्हारा जो टारगेट है वो है मोक्ष प्राप्त करना। बस पूरा उपयोग करते हैं, बस में जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, स्कूटर में भी जाते हैं, सभी जगह भ्रमण करते हैं, लेकिन सफर करते हुए हमें सिर्फ अपनी गंतव्य तक जाने का ही निर्णय रहता है कि हमने अंबाला पहुंचना है, हमने हरिद्वार जाना है, हमने चंडीगढ़ पहुंचना है। जिसमें हम बैठे उसका हमें कोई ध्यान नहीं, हम किस चीज में जा रहे हैं, ना ही उसी का हमें वो है। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या होता है, वहां मंजिल का ये भी भूल गए, लेकिन हमारा लक्ष्य था मंजिल में पहुंचना। जब हम इनको अपना मान चुके हैं तो जब भगवान इनको छीनते हैं हमारा समय पूरा हो जाता है बड़ा कष्ट। जब हमने अपने दिमाग में अपने मन में इन चीजों को बैठा दिया कि मेरा तो ये है, भगवान कहते हैं अगर ये तेरा है तो मैं कहाँ हूं, तो भगवान ने साधन किया। मन का फेर है ये देखना है, ये परमपिता परमात्मा ये तुम्हारा दिया हुआ है, किराया का घर है, किराए का ये मेरा शरीर है, किराए के ये सारे परिवार है, संबंध है, मेरा तो इसको कुछ भी नहीं है। परिवार में से किसकी बारी आ जाए, कौन हमसे छोड़कर चला जाए, किसका दाना पानी खत्म हो जाए, किससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, तैयार नहीं। किसी के मिलने पर इतना खुश ना हो, किसी के बिछड़ने पर दुखी ना हो, भगवान कहते तेरा लक्ष्य तो सिर्फ मृत्यु है, वो अपने आप को संभाल, अपना अंग सुधार। बाकी सब काम रह जाएंगे, सारे संसार के पदार्थ संसार में रह जाएंगे। गरुड़ पुराण में आया है कि शरीर जो है जो तुम्हारे संसारिक भौतिक पदार्थ हैं, वो पदार्थ तुम्हारी मृत्यु होते ही तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। भाई बंधु इष्ट मित्रगण तुम्हारा संसार तक जाएंगे, वहां तक साथ देंगे। ये जो शरीर है ये अग्नि तक जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म है वो तुम्हें आत्मा के साथ हर जगह होना पड़ेगा, और ये भोग नहीं है। कर्म शुभा शुभम ना भुक्ते क्षीयते कर्मम कल्प कोटि शतैरपि। तुम्हें अपने कर्मों का फल अच्छा या बुरा खुद ही भोगना पड़ेगा, जब तक उसका
का तुम प्रयोग नहीं करोगे तुम भोगो। हमारे पुण्य ज्यादा हो गए इस जन्म में, उस पाप की पारी नहीं है दूसरे जन्म तीसरे जन्म। भगवान कहते हैं कल कोटि सदैव सौ कल्पों के बाद भी तुम उसे भोग सकते हो, लेकिन वो आएगा तुम्हारे पास लौटकर। जो आपने अच्छा किया अच्छाई भी आई, बुरा किया बुराई भी आई। मुझे पाप जरूरी नहीं है कि हमें शरीर में रोग ही हो, आप बीमार ही पड़े, वो किसी रूप में भी आ सकता है। हमारा रोग बनकर आ सकता है, पाप किसी रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो करना क्या है, ये नहीं होता कि आपने परमात्मा का नाम नहीं लिया तो आपको दर्द मिलेगा, भगवान उसी में आपको मानेंगे नहीं। भगवान कहते तू कर्म करता है, कर्मों का फल भी वही कर्म खुद मारेंगे। जब लोग तो खुद कहते हैं गरुड़ पुराण में, यमलोक खुद कहते हैं पापी प्राणी से, हे पापी हे दुराचारी तू यहां पर रो रहा है चिल्ला रहा है, तुझे सजा मिल रही तो रो रहा है, तू हमें जो है बड़ा गुस्से में देख रहा है, हमें तो निर्दय मान रहा है, यमराज को कोस रहा है, हम तो तेरा कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ तेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जो तुमने कर्म किए हैं वो कर्म ही तेरे दुखों का कारण है, वही तुम्हें सता रहे हैं। जब तुमने कर्म किए थे उस समय तुम बड़े प्रसन्न थे, जब भी कोई पाप करता है, कोई चोरी करता है, कोई हेराफेरी करता है, कोई कुछ करता है, यदि पाप की परिभाषा में जो भी आता है, उसने पाप किया वो पाप उसका फल गया, बड़ा प्रसन्न होता है, बन जाता है अपनी बुद्धि को, अपने आप को धन्य मानता है, मैं इतना चाला बड़ा खुश होता है। जो बाजार में लोगों के पर्स छीनता है, गले से छीन लेता है, वो भी आपको पार्टी करते हैं कि आज बड़ा हाथ है, खुश हो रहा है। तो यमदूत कहते हैं बड़ा खुश हो रहा था उस समय, दुखी हो रहा तुमने पाप नहीं किए, बड़ा खुश होकर तुमने पाप किए हैं, और जब उसका फल भोगने की बारी आई अब तो भोग हो रहा है, अभी प्रसन्न हो। गरुड़ जी ने एक बार भगवान से पूछा, भगवान ये बताइए सबसे आश्चर्य की। भगवान कहते देख लो, खुद ही देख लो कर, हे गरुड़ सबसे बड़ा तुम आश्चर्य ये होता है कि मनुष्य पुण्य करता ही स्वर्ग की कामना करता है, मुझे नहीं करना, मैं स्वर्ग जाऊं, मेरी संतान बढ़िया हो, मेरा मान सम्मान हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, वाहन हो, लेकिन पुण्य नहीं करना, पाप करता है, लेकिन नर्क नहीं जाना चाहता। पुण्य नहीं करना स्वर्ग जाना चाहता है, पाप करता है नर्क जाना नहीं चाहता, और इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। जो जो हम कर्म करते हैं यहां पर उन कर्मों की सजा भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
अगर हम सजा भोगने के लिए तैयार नहीं तो वो कर्म करने का महाराज कोई अधिकार नहीं है। जन्म से मृत्यु पर्यंत छोटी सी बात होती है, एक बार दो बार कभी भी नहीं, वो आपके जीवन पापों को धो देते तुरंत ही। हमने कहा हमारा मंदिर आ जाए अगर नहीं लोग देखते हैं, लोग देखते हैं शायद परमात्मा की समृद्धि दें। पर अपने कर्मों का हिसाब फिर बाकी रहेगा, फिर आना पड़ेगा, ये संसार चक्र चलता रहेगा। नहीं था समय के अभाव जो जो भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं मैं हमारे व्यक्ति साथ हैं वो बड़े दुखी हिरदे नाल साडे आंटी जी श्रीमती शशि कोरे जी दी अंतम अरदास दे विच शामिल आया। शशि कोरे जी पत्नी लेट श्री श्यामलाल जी जो सानू बहुत चिर पहला विछोड़ा दे गए सन, उन्होंने भी अपना जीवन हिंदू धर्म के लिए नापे ने अपना कुर्बान करता। उस तरह हमारे बच्चे शशि गोयल जी अपने पीछे दो बेटे एक बेटी राजन गोयल रजनीश गोयल। राजन गोयल जितने अपने बिजनेस प्रति सैट है अमृतसर के बिच, उत्ते रजनीश गोयल समाज सेवा के बिच हर काम के बिच मोरी माता नैना देवी को समर्पण दुर्गा देवी मंदिर चौंक होर भी कोई सारा नापे दिए कोई संस्था नहीं जिसे रजनीश गोयल का सहयोग ना हो, परिवार का सहयोग ना हो। बहुत बड़ा गोयल परिवार है, परिवार का दुख साझा करने लिए बहुत सारिया शख्सियत साढ़े इलाके पाइं ने, जिन्होंने सर्वश्री सुरेंद्र बैंक जी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट विजय जी, जगदीश मामा जी प्रधान नापा उस समिति, शोक मास्टर जी कैप्टन अग्रवाल सभा प्रधान नेशनल एसोसिएशन, नरेश सिंगला जी ज्वाइंट सैकटरी अग्रवाल सभा, कृष्ण मंगल कोपी जी ट्रस्टी नैना देवी मंदिर, प्रमोद चंद्र जी एम सी जयवान, संदीप जी सोनू एम सी जी, सतीश चंद जी प्रधान नेशनल एसोसिएशन, नरेंद्र जी भाटिया जी, चरणजीत पात्र जी पी ए टू साढ़े कैबिनेट मंत्री पंजाब, होर बहुत सारे सचिव दुर्गा सेवा मंडल का एक एक मैंबर रजनीश के नाम पिट ना पिट ला के खड़ा है। चौकी गल रजनीश जी की माता का देहांत नहीं होया, साढ़े सारे ही जिन्हें अभी दुर्गा सेवा मंडल के मैंबर ने सारे की माता का देहांत होया। मैं दो मिनट के लिए बेनती करेंगा साढ़े बड़े भी सुशील कुमार जी जैन जो सरदा सुख रखेंगे सुशील जैन जी पंजाब पंडित जी ने श्री गुरु नानक जी की कथा सानू सुनाई, असी सारे ने श्रवण की, सानू इस कथा तो बहुत कुछ सीखने मिलता है कि जिंदगी की है। अज असी शशि गोयल जी की अंतम प्रार्थना सभा में इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी 11 नवंबर 1953 को जन्म लेके
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟਲ ਨੇ ਸੰਭੂ ਸਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾਭੇ ਜੀ ਵੈਸ਼ਿਓ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਾਲਾ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 300 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਲਾਵਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਵਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਚਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਹਾਲ ਬਦਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਭਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੇ ਐਚ ਐਸ ਐਮ ਦਾ ਆਵਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਟਰੱਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਾ ਦੇਵੀ ਲੰਗਰ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਉਸ਼ਾ ਮਾਤਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸੇਠ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੋ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਔਰ ਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਰਜਾ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਮਨਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵੇ।
सर्वोत्तम लोका समस्ता सुखिनोभवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः प्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् भावये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते ॐ शान्तिः 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 महाराज सत्य सनातन धर्म समाज बनाया समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित